नानी नानी। हाँ बेटा। नानी आज मैंने ऐसा काम किया है कि आप प्राउडली कहोगे कि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ। अच्छा ऐसा क्या किया? आज मैंने 6 बॉल में 7 सिक्सेस मारे। 6 बॉल में 7 सिक्सेस ये कैसे हो सकता है बेटे? नानी एक नो बॉल भी तो था। पता है नानी मैंने इतना अच्छा खेला कि सचिन तेंदुलकर ने मुझे कंधों पर उठाया और कहा कि तुम दुनिया के बेस्ट प्लेयर हो। और नानी मैं 11 साल का हूँ ना, फिर भी मुझे नेशनल टीम में सिलेक्ट किया गया। अच्छा क्या बात कर रहे हो, मुझे अवार्ड मिलने वाला, वो भी भारत रत्न। किस चीज के लिए? सासुमा भगाओ स्प्रे के लिए जो मैंने बनाया था। सासुमा भगाओ स्प्रे? अच्छा तो आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे? नो प्रॉब्लम, मैं अभी अपनी सास को भगा कर आता हूँ। बेटे ये तुम किस स्प्रे के बारे में कह रहे थे? सासुमा मैंने एक नई दवाई बनाई है, लोग सर दर्द की दवा ढूंढते हैं या फिर ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की, लेकिन मैंने उसकी दवाई बनाई है जिसकी वजह से सारी बीमारियां होती है, सासुमा नाम की बीमारी। देखिए ये स्प्रे सासुमा पर छिड़कते ही सासुमा की अकल और जुबान दोनों शांत हो जाती है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। या कोई मुझे फरवरी मार्च अप्रैल फूल नहीं बना रहा था, मैं जानती थी कि तुम दोनों मजाक कर रहे हो, और वैसे मुझे अप्रैल फूल बनाना इतना आसान नहीं है। नानी हाँ अरे देखिए ना मैं भूल गई, क्या आपको अप्रैल फूल बनाना था? जिया तुम भी? वो आपसे झूठ नहीं बोल सकती ना नानी, इसीलिए भूल गई। नानी हैप्पी अप्रैल फूल डे। थैंक यू बेबो। अरे ये कैसे फूल है? नानी परिस्तान में अप्रैल महीने में ऐसे फूल उगते हैं, तो हो गया ना अप्रैल फूल डे। बेबो अप्रैल फूल अप्रैल में उगने वाले फूलों को नहीं कहते, अप्रैल फूल्स डे पे हम एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, मस्ती और मजाक करते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख को हम अप्रैल फूल डे मनाते हैं। आप सबको अप्रैल फूल की थ्योरी तो पता है, लेकिन प्रैक्टिकली अप्रैल फूल क्या होता है ये मैं बताऊंगी। आज मैं सबको कुछ इस तरह अप्रैल फूल बनाऊंगी कि आज के बाद ये दिन अप्रैल फूल्स डे नहीं नानीज डे कहलाएगा। माय फर्स्ट विक्टिम इज पैम ऑफ कोर्स, श्रीं ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। पैम को जो फूल बना दे ऐसा नेकलेस ला दे। शांति पैम कहो भाई। नानी आप और हमारे घर में ये कैसे हो गया? एनीवे बैठिए। अब मुझे समझ में आया, तो आप मुझे अप्रैल फूल बनाने आई है ना? वो तो मैं तुम्हें हर रोज बनाती हूँ, व्हाट्स न्यू। वैसे आज मैं ये नेकलेस लेने आई थी तुम्हें। सॉरी नानी आई कांट एक्सेप्ट दिस, इसमें जरूर स्नेक लिजर्ड या फिर कॉकरोच होगा मुझे डराने के लिए। Well, तुम्हारी मर्जी ना लो, लेकिन मैं चाहती थी मैं तुम्हें नेकलेस दूं ताकि तुम्हारा कुछ दुख दूर हो जाए। वाओ डायमंड्स सो प्रिटी। नानी लेकिन आप किसी दुख की बात कर रही थी, मुझे तो कोई दुख नहीं है। लेकिन अब हो जाएगा ना, मैं जो आ गई हूँ। मेरा मतलब है अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना बेटा, वो दिल पर पत्थर रखकर सुनना। नानी पत्थर तो बहुत हैवी होता है ना, मैं ये तुम्हारे कहने से नहीं होता ना। वैसे कोई बात नहीं, दुख दूर हो जाएगा, ये नेकलेस पहन लो। इंसान के मूड की तरह ये रंग बदलते हैं डायमंड्स, जैसे कि अब तुम जेलस फील कर रही हो तो रंग ग्रीन हो गया है, अब तुम गुस्से में आओगी तो इसका कलर रेड हो जाएगा, तुम्हारे दिल में प्यार आएगा तो ये पिंक हो जाएंगे। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ बेटा, देखो
एंगेजमेंट में आना ना भूलना और गिफ्ट भी जरूर लाना, वरना ये डायमंड्स काले पड़ जाएंगे ना, फिर ये नेकलेस भी बेकार हो जाएगा। बाय बाय। अब ध्रुव की बारी। ये नोट है फ्रॉग, अभी मिल जाएगा। अप्रैल फूल बनाया, राजा को बहुत गुस्सा आया। क्या अप्रैल फूल? ये देखना 500 रुपए का नोट। मेरा नोट अप्रैल फूल बनाने के लिए यहाँ पे रखा था। अप्रैल फूल मैं नहीं, अप्रैल फूल तो तुम बने। एक 500 के नोट की जगह अगर तुम 500-100 के नोट रखते तो 500 का फूल होता ना। अब देखो नानी का कमाल। बेटा ध्रुव। अरे नानी आप यहाँ? कहीं आपने भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया हम लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए? नहीं बेटे वो बात नहीं है, बात यह है कि आज शाम को एक एनआरआई लड़के के साथ जिया की एंगेजमेंट होने जा रही है। व्हाट? लेकिन नानी ये कैसे हो सकता है? नानी आप तो जानते रहे कि मैं और जिया, हम दोनों, यू नो। ऑफ कोर्स आई नो, लेकिन क्या करें, डैडी की जिद के आगे जिया हार गई। हमारे दामाद जी बहुत ही जिद्दी है, आप लोग तो जानते हो ना। जिया ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा? कहा ना। क्या कहा? कि तुम उसे भूल जाना। बहुत तुम्हें बात नहीं बता सकती थी इसलिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। वैसे आज शाम को एंगेजमेंट है, गिफ्ट लेके आ जाना। उसने ये भी दिया है और कहा कि ये तुम्हें उसकी याद दिलाता रहेगा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। जिया, नानी, जिया, आज मैंने बहुत सोचा और सोच कर उस सोच तक पहुंची जो और कोई नहीं सोच सकता। क्या तुम सोच सकते हो कि मैंने क्या सोचा? नानी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आपने क्या सोचा? यही कि अप्रैल फूल और प्यार में एक गहरा रिश्ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो प्यार करता है वो बेवकूफ होता है, जो बेवकूफ होता है वही तो प्यार करता है। क्या? अरे तुमने क्या फिल्म वीर ज़ारा नहीं देखी? उसमें हमारे शाहरुख खान साहब 22 साल एक पाकिस्तान के जेल में सड़ते हैं और वही 22 साल प्रीति जिंटा उनके अपने घर में होती है हिंदुस्तान में। बेवकूफी नहीं तो और क्या है ये? नानी आज पहली बार आपकी बात में मैजिक नहीं लॉजिक है। और फिर बेटा अपने ध्रुव को ले लो, वो तुमसे प्यार भी करता है और थोड़ा बेवकूफ भी है। नहीं नानी ध्रुव ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो आज तक उसने तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं किया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने तो सोचा ना, और आज शाम मैंने एक पार्टी रख ली क्योंकि ध्रुव बेवकूफ है। नानी ये अच्छा नहीं किया आपने। अरे पहले तो ये सुन के मैंने क्या सोचा है, आज हम अप्रैल फूल डेज नहीं लवर्स डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और इस सेलिब्रेशन डे तुम ना वेडिंग ड्रेस पहन कर आना। वेडिंग ड्रेस क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारा बेवकूफ ध्रुव शायद इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें प्रपोज कर ले। लेकिन नानी मैं इतनी जल्दी वेडिंग ड्रेस कहाँ से बनवाऊंगी? मैं हूँ ना श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, ऐसा जादू चला दे जिया को दुल्हन बना दे। अरे वाह कितनी सोनी लग रही है मेरी बिटिया, किसी की नजर ना लगे तुझे। लेकिन एक बात याद रहे, 4 बजे से पहले ध्रुव को कुछ नहीं बताना है। क्यों नानी 4 बजे से पहले क्यों नहीं? सरप्राइज वाली बात कहाँ रहेगी? देखिए ना मुझे तो ये सब बातें सूझती नहीं, लेकिन मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आप जैसी नानी मिली जो इन सब बातों का ख्याल रखती हैं। चलती हूँ। वाकई प्यार में इंसान किस हद तक बेवकूफ बन सकता है? सॉरी जी। दामाद जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरी दुश्मन सास जो अंदर आते ही मुझे अटैक करने लगती है, आज मुझसे परमिशन मांग रही। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं दामाद जी आप बिल्कुल कोई सपना नहीं देख रहे हो। दरअसल आज से मैंने एक फैसला कर लिया, मैं अब आपको कभी नहीं सताऊंगी। इम्पॉसिबल, शेर वेजिटेरियन बन सकता है लेकिन आप
मुझे सताना कभी बंद नहीं कर सकती। मेरा यकीन कर लो ना दामाद जी, देखो इसमें ना जो इंटरकॉम है, एक हमारे घर में लगेगा और एक शांति के घर, ताकि वो दिन रात मुझे फोन करके सताती रहे। देखा, मिल गया ना आपको एक और तरीका मुझे सताने का। नहीं नहीं, बल्कि मैंने तो ये सोचा कि अगर शांति हमारे घर नहीं आएगी तो कितनी शांति होगी। जो भी उसे उधार मांगना होगा वो अपने घर में बैठे बैठे इंटरकॉम उठाकर मांग लेगी। वो यहाँ आती है, आपको इतना सताती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक काम करो दामा जी, आप जाओ और शांति को 4 बजे की इन्विटेशन दे आओ। अभी आपने मुझसे कहा कि आप ये इंटरकॉम इसलिए लगा रही हो ताकि शांति बार बार यहाँ आए नहीं, और अभी आप मुझे कह रही हो कि जाकर उसे बुला लो। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसी के हाथों से इसका उद्घाटन करूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो 2-4 दिनों में इसे भी उधार मांगकर ले जाएगी। अगर हमने उसी के हाथों से रिबन कटिंग कर ली ना तो फिर वो शायद ऐसा ना करे। तुम जाकर उसे कह दो कि वो आज शाम की चीफ गेस्ट है। कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ इज नॉट फेयर। मैं इतना कुछ आपके लिए कर रही हूँ दामा जी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? ठीक है, मैं शांति को इनविटेशन देकर आता हूँ। एक और विकेट गई, अब बचे सिर्फ बच्चे। उन्हें तो मैं यूं बना लूंगी अप्रैल फूल। अरे नहीं, हम तुम्हें इनवाइट करना है। हाँ, आज शाम 4 बजे हमारे घर एंगेजमेंट सेरेमनी है, तुम आ जाना, तुम्हें ऐसी ढेर सारी चॉकलेट खाने मिलेगी। सच? मगर एंगेजमेंट किसकी है? वो नानी की। क्या? नानी की? किसके साथ? अरे नानी की एंगेजमेंट किसके साथ होगी? नाना के साथ ही ना। क्या तुम्हारे नाना भी नानी की तरह मोटे है? मैं तो फुल्ली हैंडसम हूँ, मेरा फेस भी हैंडसम, मेरा पेट भी हैंडसम, मेरे बाल भी हैंडसम। हेलो मिस्टर हैंडसम, आज शाम हमारे घर आना मत भूलना। और हाँ, एक हैंडसम से गिफ्ट जरूर लाना। ओके ओके, बाय बाय। बिट्टू द हैंडसम, बिट्टू द हैंडसम। 4 बज गए, अब सबके 12 बजने वाले हैं। आओ ध्रुव जी, आओ बैठो। वैसे तुमने दूल्हे के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सगाई तो जिया की होने जा रही है। जानता हूँ नानी, जानता हूँ, लेकिन आपके जाने के बाद मैंने सोचा, बहुत सोचा कि अगर मैं आऊंगा तो दूल्हे की ड्रेस में ही आऊंगा। शादी ड्रेस देखकर अंकल जिया का हाथ मेरे हाथ में दे दे। वैसे जिया कहाँ है? वो आ रही है हमारी बिटिया। आओ बिटिया। यार ध्रुव, अगर तेरी जिया के साथ शादी हो जाती ना तो जोड़ी बहुत अच्छी लगती, बैड लक। जिया बेटे, ये तुमने वेडिंग आउटफिट क्यों पहन रखा है? ये आपने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। चाहे तो मेरी दोनों किडनियां ले लेते, लिवर ले लेते, लेकिन आपने मेरा दिल क्यों तोड़ा? क्यों अंकल, क्यों? बाबा ने ध्रुव का दिल तोड़ा, लेकिन कैसे? ध्रुव, ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाह अंकल वाह, बहुत इनोसेंट बनते हो, प्यार का खून करके पूछते हो कि मेरे फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं। आपको तो विलन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिलना चाहिए था। लगता है तुम्हारे सर में ना गहरी चोट पहुंची है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पॉप सॉन्ग गाने वाली लड़की आज भजन गा रही है? नहीं मानो, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये दुनिया छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। नो 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 पैम, नो प्लीज, सुसाइड मत करना। देखो सुसाइड करना पाप है। नो 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 अंकल, सुसाइड नहीं, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सन्यासिनी बनकर जंगल की ओर जाऊंगी। लेकिन पैम, अगर तुम जंगल की ओर जाओगी तो जंगल के सारे जानवर तो सुसाइड कर लेंगे ना। लेकिन पैम, तुम सन्यासिनी क्यों बनना चाहती हो? यस मैम, आखिर तुम सन्यासिनी क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि आज नानी की नाना के साथ एंगेजमेंट सेरेमनी है। पर नाना कहाँ है? नानी की एंगेजमेंट? ओए हटो 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 पीछे, बाकी सारी सेरेमनी बाद में, पहले मेरी अवार्ड सेरेमनी।
शांति जी, उद्घाटन सेरेमनी, फोन उद्घाटन सेरेमनी, ये लो कैंची और काटो। अब सूरज जी, ये क्या मजाक कर रहे हो? अब जल्दी से सेरेमनी करना, मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर के अवार्ड दे दो और मेरे सर में ना ताज पहना दो। ये अवार्ड ताज, ये क्या हो रहा है? लगता है सबके सब पागल हो गए हैं। मैं अभी हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। वन मिनट। अप्रैल फूल बनाया। मैंने सबको अलग अलग कहानियाँ सुनाई और सबको अप्रैल फूल बनाया और यहाँ बुलाया और अपने लिए गिफ्ट भी हासिल कर लिए। कमाल हो गया। नानी, आपने मुझे भी अप्रैल फूल बनाया? जी हाँ, मेरा दिल तो नहीं जा रहा था, लेकिन सबको अप्रैल फूल बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मतलब तुमसे भी झूठ बोलना पड़ा। अपनी इस रानी को तुम माफ कर दो ना। इट्स ओके नानी, वैसे भी अप्रैल फूल तो उसे ही बनाते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और जिसे माफी मिलने का विश्वास भी होता है। अच्छा, अब जरा मैं अपने गिफ्ट देख लूं। अप्रैल फूल नानी, इसमें है कुछ क्या? ये अप्रैल फूल नानी? नानी, सारे प्यार करने वाले पागल नहीं होते। सास के तो एक दिन दामाद का। जब मुझे पता चला कि आपने मुझसे बड़े प्यार से बात किया ना, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब मैंने मिलकर ये प्लान बनाया आपको अप्रैल फूल बनाने का। I'm sorry नानी, आपको अप्रैल फूल बनाने के लिए मुझे भी आपसे ये प्लान छुपा कर रखना था। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? तुमसे नाराज होने का मतलब है अपने आप से नाराज होना। मुझे तो खुशी है जिया कि तुमने मुझे अप्रैल फूल बनाया। Shut up!